जय हिंद, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों ऐसे तो आज आप लोगों को पता होगा आज है 14 जनवरी, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज दही चूड़ा खाने का रीति रिवाज है, तो हेवी ड्यूटी के वजह से टाइम तो नहीं मिला, जिसके वजह से हम लोग दही अरेंज नहीं कर पाए, लेकिन चूड़ा मीठा है तो आज हम लोग चल रहे हैं चूड़ा मीठा खाने। हेलो भाइयों, तो ये है अपने अभिषेक भाई जो अपने साथ ही है। क्या खा रहे हो भाई? गुड़। गुड़ गुड़ खा रहे हैं। और ये अपने शिव शंकर भाई, और ये जो है अपना अक्षय कुमार भाई है। तो ये हुआ मीठा, ये है चूड़ा, भुना हुआ भी चूड़ा है यार, और ये तिलकुट है। आ जाओ भाइयों, सब यहाँ चालू कर दिए हम लोग। ये तिलकुट है और ये मीठा है, मीठा और है गुड़ है, वही गुड़ मीठा। और ये चूड़ा है और ये भुना हुआ चूड़ा है, और एक कच्चा चना भी है इधर। इधर कच्चा चना भी है, कोई खा सकता है। और ये अपने शिवशंकर भाई मकर संक्रांति की उपलक्षता पे कुछ कहना चाहते हैं, जो काफी दिनों से बोल रहे थे कि हम मिलेंगे तो बताएंगे, तो बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो सोच रहे हैं कि इनसे बुलवा लें। मकर संक्रांति की आप सब लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा पंकज भाई का ये जो चैनल है, इसे लोग खूब प्यार करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इनके वीडियो को। आपको बहुत सारे फनी वीडियो इन पर मिलते रहेंगे। अभी तो भाई शुरुआत किया है, बहुत आगे जाएगा। भाई पुलिस वाला भी है? नहीं, हम पुलिस का नहीं है भाई। हमें ये लोग कैदी के रूप में पकड़ लाए हैं कि चलो आज खिलाते हैं तो चले आए हैं। नहीं भाई, मान लेते हैं कि सब आइटम तुम्हारा, लेकिन कैदी थोड़ी हो यार भाई। अपने भाई हमको कैदी है, ये लोग खिलाने लाया है यार। ये तो लड़का आरा का लग रहा है यार। फाइनली हम लोगों ने मकर संक्रांति मना ली, खत्म। तो दोस्तों अभी हम लोग बनारस स्टेशन की तरफ निकले हुए हैं, तो अभी फिलहाल में तो रास्ते में ठंड काफ़ी बढ़ गई है, तो अभी सोच रहे थे टोपी लेने के लिए। क्या हुआ यहाँ भी रिजेक्ट? अरे तुम लोगों को लेना क्या है यार? तो भाई टोपी के चक्कर में घूमते जा रहे हैं। अरे यहाँ देख लो ना, चप्पल की दुकान पे शायद टोपी मिल जाए। अरे बाबू चप्पल की दुकान पे चप्पल देख लो, शायद पूछ लो यहाँ पे। देखो देखो चाचा बुला रहे हैं, चाचा की दुकान पे चलो। अरे कम्बल लाई चाहिए चाचा। ये चाचा वाली टोपी, ये चाचा वाली टोपी सही है। अरे ले लो बाबू, तुम रहने दो, तुम्हारे लिए स्पेशल कंपनी से बनवानी पड़ेगी। तो ये भी दुकान स्टेशन के काफी करीब आ गए हैं। ये चलिए अब स्टेशन की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ये अपना अंग्रेजों के जमाने वाला रेल का इंजन, इसको तो हम लोगों को कभी सैर करने का मौका नहीं मिला, बट कमाल का है, देखने में लगता है छुक 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 छुक। यहाँ पे वन बाई वन हम लोग चालू करते हैं, आपको बताते हैं कुछ, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ देते हैं स्टेशन के बारे में, कभी आप आए तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे साथ भाई जुड़े हुए हैं आज के ब्लॉग में, ये भी हम भूमिका निभाएंगे। यात्री आश्रय बोलते हैं यहाँ पर, और टिकट भी मिलता है अंदर में। और ये एक बड़ा सा अच्छा सा पानी टंकी, जो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे पार्किंग है, इधर ऑटो पार्किंग और ऑटो रिक्शा पार्किंग है, साइकिल मोटरसाइकिल पार्किंग है, इधर हर तरह का पार्किंग। एस्केलेटर अभी हाल फिलहाल में भी बना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए आपको ऐसा पंखा कहीं नहीं मिलेगा बनारस में, मिलेगा इतना लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा मोटर के साथ फिट किया गया होगा, आपको बनारस स्टेशन पे ही मिलेगा। इसे तो अभी ये बंद पड़ा हुआ है, ये आपको गर्मी के दिन में काम करता है। और इधर बहुत बड़ा वाकगाड़ी, ये भी ट्रेन का छोटा इंजन, भारतीय रेलवे, ये भी शायद हमको लग रहा छोटी लाइन का ये ट्रेन था पहले अंग्रेजों के जमाने में। सेल्फी पॉइंट लिखा तो है सब, यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। और ये पूरा व्यू हुआ बनारस स्टेशन का जो फ्रंट से,
इसे पूरा स्टेशन आपको देखने से लगेगा कि मंदिर है उस टाइप का, क्योंकि बनारस इसी के लिए फेमस है, मंदिरों के लिए। और यहाँ पे एक से एक धार्मिक स्थल है, इसलिए यहाँ का स्टेशन भी आपको देखने से लगेगा कि मंदिर है। ये सब चीज़ के बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और रिलैक्स स्टेशन इन लोगों को मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं काफ़ी लोग जो स्टेशन के बाहर लगभग हर स्टेशन में मिल जाएंगे, सोए पड़े ऐसे अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, जो देख के बड़ी दुख होता है। लेकिन क्या करिएगा, इन लोगों को भी। दोस्तों तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने ब्लॉग में। अब तक के लिए अरे यार, हैप्पी मकर संक्रांति तो बोल दो। हैप्पी दूध संक्रांति। करते हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं का नाम है तोर। आप लोग को बहुत बहुत अब से चालू करो। और पंकज भाई अब से अरे यहाँ देख लो ना, चप्पल की दुकान पे शायद टोपी मिल जाए। अरे बाबू, चप्पल की दुकान पे चप्पल देख लो, शायद पूछ लो, यहाँ मिल जाए। ये जो लड़का है ये नहीं चाहता कि मेरा कैमरा पे आए, ये हराम को। तो भाई फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए और ये अपने साथ भाई लोग हैं। थोड़ा हाय कर दो भाई। हाय हाय। हमारे वीडियो में आना चाहते हैं।